एडवांस इम्पिटेशन के अंदर आप डिफरेंट किस्म के टूल्स को यूज करते हैं या लाइब्रेरीज को यूज करते हैं जो ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन होल डेटा सेट, सिर्फ एक कॉलम की बेस पे नहीं, होल डेटा सेट की बेस पे आपका जो है पूरे का पूरा मिसिंग वैल्यूज को इम्प्यूट कर देते हैं। और वो किस तरीके से करेंगे, कौन सी लाइब्रेरीज है, मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आता हूँ, स्क्रीन आपके सामने है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं यहाँ पे इसको एडवांस इम्पिटेशन इसके ऊपर हम काम करते हैं। तो मैं पीछे जितनी भी चीजें हैं उनको यहां पे इस तरीके से कर लेता हूं ताकि हमारे पास जो डीएफ है वो इसी तरीके से रहे। अच्छा, हमारे पास जो मिसिंग वैल्यूज को इंप्यूट करने के लिए एक लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइस लाइब्रेरी। ठीक है, अगर आप माइस लाइब्रेरी देखें, MICE, तो उस तरीके से आपके पास माइस आर पैकेज। सो ये है जी माइस पैकेज, और इसके तरीके से आप चेंड इक्वेशन की बेस पे मल्टीपल इम्प्यूटेशन कर सकते हैं। सो दिस इज मल्टी वेरिएट इम्प्यूटेशन बाय चेंड इक्वेशंस। चेंड इक्वेशंस क्या होती हैं, बेसिकली हर एक कॉलम की बेस पे आपकी वैल्यूज आती हैं और उसकी बेस पे वो फिर इम्प्यूट करता है। ठीक है, सो ये माइस लाइब्रेरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको हम पहले इंस्टॉल करते हैं, और यहाँ पे मैं माइस लिखता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, और इस लाइब्रेरी को मैं एडवांस इम्प्यूटेशन में ही इंस्टॉल इस वजह से कर रहा हूँ ताकि ये आपके सामने इजी रहे इसको यूज़ करना। दिस इज़ वेरी इजी टू यूज़। जैसे ये इंस्टॉल हो आप इसको लाइब्रेरी कर लेंगे पहले। ठीक है, लाइब्रेरी करने के बाद आपने ऑफकोर्स जो हमारे पास डिफरेंट किस्म के कॉलम्स हैं उनको फाइंड आउट करके यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप यूजिंग माइस को किस तरीके से इम्प्यूट करेंगे। सिंपली df imputed, यानी कि इम्प्यूटेड हम यहाँ पे जो है वो मिसिंग वैल्यूज को ले रहे हैं, माइस आ रहा है, डेटा फ्रेम आ रहा है। ठीक है, df को हम इम्प्यूट करेंगे, m इज इक्वल टू 5, फिर हम मैक्सिमम it जो है मैक्सिट जिसे बोला जाता है 50, यानी कि मैक्सिमम इटरेशन जिसे बोला जाता है कि कितनी दफ़ा डेटा सेट में से पैटर्न निकाल लें, क्योंकि ये मशीन लर्निंग है, ये कितनी दफ़ा मशीन लर्निंग चलती है। आई एम नॉट टीचिंग यू के मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम कौन सा है, जस्ट कीप इन माइंड दिस इज मच बेटर देन यूजिंग सिंपल इम्प्यूटेशन। ठीक है, दिस इज मच मच बेटर। सीडिंग का मतलब ये होता है कि जो बार बार आप अगर इस कोड को रन करें तो सेम आंसर आए, सेम आंसर से मुराद जो पहली दफा आ गया है। और यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म के मेथड्स को यूज कर सकते हैं। ऑफकोर्स अगर आपको नहीं पता कि माइस कैसे काम करती है, यू कैन रन दिस कमांड एंड देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यह कैसे काम करती है। यह है जी मल्टी वेरिएट इम्प्यूटेशन। आप यहाँ पे डिफरेंट किस्म की जो माइस की बेस पे डेटा देते हैं, फिर एम वैल्यू देते हैं, मेथड बताते हैं, प्रिडिक्टर मैट्रिक्स बताते हैं, एंड देयर आर सम अदर थिंग्स जो आप इग्नोर कर देते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे PMM है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, फिर हमारे पास पॉलिनोमियल रिग्रेशन है, फिर हमारे पास देयर आर सम अदर रिग्रेशन की टाइप जिसकी बेस पे आपका डेटा जो है वो इम्प्यूट होता है। एम इज़ द नंबर ऑफ मल्टीपल इम्प्यूटेशन, यानी कि कितनी दफ़ा या कितनी देर कोई भी काम चलेगा। डेटा डेटा है, मैथड कोई भी आप ले सकते हैं, सिंगल मेथड हो सकता है, स्ट्रिंग मेथड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रिडिक्टिव मैट्रिक्स भी आप ले सकते हैं, इग्नोर करना किसी चीज को वो भी, एंड देयर आर सम अदर मैट्रिसेस गोइंग ऑन हियर। ठीक है, सो आप इनको यूज कर सकते हैं एंड देन इजीली यू कैन एक्चुअली रिमूव और एक्चुअली इंप्यूट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैं यहां पे इसको ऐसे रन करके देखता हूं कि हमारे पास जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो किस तरीके से इंप्यूट होती हैं। मैं इसको रन करता हूं एंड यू सी के नीचे काम हो रहा है। हियर नंबर ऑफ लॉग्ड इवेंट 7, हमारे पास 7 वार्निंग्स आई हैं, बट एट द एंड हमारे पास जो कॉलम है वो इम्प्यूट हो चुका है, अगर आप गौर करें। ठीक है, 177 वैल्यूज हमारे पास इम्प्यूट हो चुकी हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट डेटा सेट। किस चीज़ की, एज की। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। लेट्स सी, हमारे पास ये है df imputed, लिस्ट आ गई है हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की। मैं इसको रन करता हूँ, यू विल सी हियर कि डेटा हमारे पास जो आया था उसकी बेस पे हमारे पास जो इम्प्यूटेशन है ये वो ब्लॉक्स कॉल्स एंड सम अदर मेथड्स भी हमारे पास आ गए जिसकी बेस पे हम इसको इम्प्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इम्प्यूटेशन के लिए। ऑफकोर्स इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा जो है वो आई वुड से कि डेटा को अंडरस्टैंड करने का और मेथड्स को समझने का थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको इस वजह से ये बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप इसके थ्रू इजीली जो है वो किसी भी चीज़ को इंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, माइस के अलावा हमारे पास और भी लाइब्रेरीज हैं, लेट मी सी, जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन। एक है उसके अंदर हमारे पास, मैं यहां पे आपको एक ब्लॉग दिखाता हूं विच विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड।
ये एक ब्लॉग है विच इज आई वुड से अ नाइस वन, और ऑफ कोर्स इस पे मेहनत भी हुई है अच्छी खासी, मेरा लिखा हुआ नहीं है, जिनका लिखा हुआ है यू कैन सी हियर द नेम डेरियो रेडिचिक, एंड हेयर यू कैन सी कि आप तीन चार तरीकों से अपनी मिसिंग वैल्यूज को इम्प्यूट कर सकते हैं। सो हमारे पास जीजी प्लॉट है, उन्होंने भी टाइटेनिक का डेटा लिया हुआ है और उन्होंने भी एज के कॉलम को यहाँ पे इस तरीके से देख के फिर उन्होंने ये मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन का जो एज का कॉलम है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखी है, देन उन्होंने यहाँ पे डेटा फ्रेम लेके रिप्लेस किया है जिस भी वैल्यू को उन्होंने देखा है उसको रिप्लेस किया पहले जीरो से, फिर मीन लिया उनका, ठीक है, मीडियन या मीन की बेस पे आप कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर वन, एंड देन यहाँ पे उन्होंने माइस को यूज़ किया, सेम वही चीज़ है। न्यूमेरिक वैल्यू को करना है तो आप टाइटैनिक कोई भी डेटा लेंगे, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे कॉलम को किसकी बेस पे आपने किसको इम्प्यूट करना है, एंड देन उनके पैटर्न्स वगैरह देख लेंगे। सो ये मल्टी वेरिएट एनालिसिस की बेस पे काम करता है, और यहाँ पे उसकी बेस पे आपके पास जहाँ पे मिसिंग वैल्यूज होती हैं ऑटोमेटिकली फिर आप उसको डेटा फ्रेम के अंदर इम्प्यूटेड वे में लेके जाके एंड देन यू कैन एक्चुअली सी कि वो 177 की 77 वैल्यूज जो है वो इम्प्यूट हो जाती हैं। बट ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव सम नॉलेज। एक है हमारे पास मिस फॉरेस्ट पैकेज, ये रैंडम फॉरेस्ट की बेस पे करते हैं विच इज एन एल्गोरिथम अगेन, एंड देन वी हैव सम अदर पैकेजेस एज वेल। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इनको देख सकते हैं, मिस फॉरेस्ट को भी और बाकियों को भी, माइस को भी देख सकते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मिसिंग वैल्यूज इंप्यूट कैसे होती हैं, ठीक है। अब इसकी डिटेल में मैं इस वजह से नहीं जा रहा बिकॉज यू शुड नो अबाउट बेसिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, देन इट विल बी ईजियर। वाई आई नीडेड टू शो दिस इज कि कुछ लोग थोड़े से एडवांस लेवल पे इम्प्यूट करना चाह रहे होते हैं तो उनको तरीकाकार या मैंने बता दिया, माइस को यूज़ करें और इसकी बेस पे या जो मिस फॉरेस्ट की बेस पे या रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम की बेस पे आप इनको इम्प्यूट कर सकते हैं। बट इफ़ यू नो द बेसिक जो मैंने स्टार्ट में बताई थी, द मिसिंग वैल्यूज इम्प्यूट अगर उस तरीके से भी कर लें दैट इज इवन बेटर देन यूजिंग सम अदर एल्गोरिथम्स कि आपको नॉलेज नहीं है, जितना पता है आप उतना यूज कर लें, दैट्स इनफ। ठीक हो गया जी, ओके।